सब्सक्राइब कीजिए डीके वेबटेक चैनल को और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम डीके वेबटेक। आज हम सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग में जैसे हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने हैं तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। अगर कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम सिंपली एक प्रोग्राम रेडी करते हैं जिसमें हम डेटा टाइप का यूज़ देखेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं, हम हेडर फाइल लगाएंगे, हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये देखिए, दो हमने हेडर फाइल लगाई। जैसा कि हमने बोला था कि हर प्रोग्राम में हमें दो हेडर फाइल तो रखनी ही है। अब हम इसके बाद मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, वाइड मेन। अब देखिए, जो भी हमें डेटा टाइप चाहिए हम उसे पहले डेटा टाइप बताएंगे, किस टाइप का हमें डेटा चाहिए। हमने इंट दिया, हमने बताया था इंट हमारा इंटीजर के लिए है। जैसा कि कोई नंबर अगर हमें चाहिए तो हम उसके लिए इंट करके डिक्लेयर करेंगे। इंट करके हमने ए कॉमा बी कॉमा सी, हमने तीन ही इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए, ए बी सी। देखिए, हमने सबको कॉमा से सेपरेट किया है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे इंटीजर टाइप के तीन नंबर हैं। हम एंटर करते हैं। अब जो भी हमें ए की वैल्यू देनी है, अगर हम फिक्स करना चाहते हैं तो हम फिक्स कर दें, ए इक्वल जो भी हमें देना है, जैसे हमने 10 कर दिया। हमने सेमी कॉलन लगाया और एंटर किया कि ए इक्वल 10 करके हम ये वाली लाइन से बाहर निकल रहे हैं। अब बी इक्वल जितना देना है, हमने बी इक्वल 20 दे दिया। हमने सेमी कॉलन लगाया और हमने एंटर कर दिया। अब देखिए, हमने इंटीजर अपने जो थे वो डिक्लेयर कर दिए है। अब हमने बताया था मेन के बाद हम कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे और इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन के लिए फंक्शन लगाएंगे, clrscr, और इसमें भी सेमी कॉलन में लगाया और एंटर किया। अब हम चाहते हैं कि ए और बी का ऐड आए, दोनों नंबर जुड़ के जो रिजल्ट हो हमें वो शो करे। हमने c इक्वल ए प्लस बी किया। देखिए, हम हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं। C इक्वल ए प्लस बी, ए और बी को जोड़ दे और जो भी जोड़ उसका आएगा वो C में दे दे। अब हम C को प्रिंट करा लेंगे। हमने बताया था जब भी हमें कोई मैसेज टाइप चाहिए होगा या कुछ भी प्रिंट कराना होगा उसके लिए हम printf फंक्शन का यूज़ करते हैं। हम printf फंक्शन लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाया हमने। अब जो भी आपको मैसेज देना है पहले हम मैसेज टाइप करेंगे। हमने सम इज दिया, अगर हमें इक्वल देना है तो हम इक्वल दे सकते हैं। अब देखिए, हमने इंटीजर टाइप सेलेक्ट किया था, हमें इंटीजर में जो हमारा रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो किसी नंबर के फॉर्मेट में ही आएगा। जब कोई इंटीजर वैल्यू होती है, डिजिट होती है, तो उसके लिए हम परसेंट डी करके प्रिंट कराएंगे कि यहाँ पे कोई डिजिट आनी है, उसको हमें ये बताना पड़ेगा। अब इन्वर्टेड कॉमा से हमने क्लोज किया, हमने कॉमा लगा के सेपरेट किया। अब कॉमा के बाद जो भी हम लिखेंगे, जैसे हमने सी लिखा, मीन्स जो सी के डिजिट है वो प्रिंट करा दे। और हमने इसको ब्रैकेट से क्लोज किया और सेमी कॉलन लगाया, हमने एंटर किया। अब हम अपना फंक्शन लास्ट लगा देंगे, गेट सी एच, फंक्शन लगाया, सेमी कॉलन लगाया, और देखिए जो हमारा एक कर्ली ब्रेसेस ओपन है हमने उसे क्लोज कर दिया। अब हम फाइल पे जाएंगे और इसको सेव कर देंगे। अब देखिए, डॉट cpp है, जो कि हमने बोला था सी की कोई भी फाइल डॉट सी से सेव होगी। अब जो भी आपको नाम देना है आप नाम दे दीजिए। ये देखिए, सी के अंदर टर्बो है, टर्बो सी के अंदर बिन के अंदर हम जो भी सेव करना चाहेंगे हम यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि हम दे रहे हैं ऐड, ऐड डॉट सी, हमने नाम दे दिया और ओके किया। अब देखिए, यहाँ पे टॉप पे हमारा शो कर रहा है, ऐड नाम की हमारी फाइल है। अब हमें रन कराना है तो हम यहाँ से भी रन करा सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट की यूज़ करें, कंट्रोल F9, हम यहीं से रन कराते हैं।
ये देखिए हमारा रिजल्ट आ गया है, सम इज 30। एंटर या कोई भी की प्रेस करेंगे हम वापस आ जाएंगे। ये देखिए डेटा टाइप्स का यूज है। अब हम चाहते हैं कि हम दो वैल्यू यूजर से लें। अब दो वैल्यू जब हमें यूजर से लेनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे जो फिक्स कर रहे हैं हम ये वाली लाइन यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये हमने यहाँ से डिलीट कर दी। अब हमने केवल तीन वेरिएबल ही रखे, ए बी सी। लॉजिक हमारा यही रहेगा, सी इक्वल ए प्लस बी। अब यूज़र से हमें वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन वाली लाइन में आएंगे और हम यहाँ पे एक मैसेज सिंपली दे देंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। कि यूज़र को देख के समझ में आए कि हमें नंबर इंसर्ट करना है, हमने केवल नंबर लेने के लिए लाइन लिखी। अब अगर यूज़र कोई वैल्यू दे तो उसको हम कैसे लेंगे, उसके लिए देखिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करेंगे, एस सी ए एन एफ, स्कैन एफ फंक्शन। जब कोई यूज़र से लेनी होगी तब हमने स्कैन एफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, परसेंट डी का साइन लगाया और हमने इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे क्लोज किया। फिर एम परसेंट का सिंबल लगाएंगे जो कि हमारे कीबोर्ड में है, ये देखिए एम परसेंट का साइन हमारा है। हमने एम परसेंट करके ए किया और यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सेमीकॉलन लगा दिया। अब देखिए परसेंट ये डिजिट टाइप की वैल्यू यूज़र दे रहा है, हम किस में लेंगे, ए में लेंगे। देखिए एम परसेंट ए का मतलब है कि ए के अंदर वो वैल्यू आ जाए। हमने एंटर किया, फिर हम प्रिंट एफ फंक्शन प्रिंट एफ टाइप करेंगे, हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर मैसेज दे देंगे। अब देखिए पहला नंबर हमने ए में ले लिया है, दूसरा नंबर हमें फिर लेना है तो हम फिर से स्कैन एफ लगाएंगे, एस सी ए एन एफ, ब्रैकेट ओपन किया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। हमने बताया है जब कोई डिजिट होगी तो परसेंट डी का सिंबल लगे, परसेंट डी हमने लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया और एम परसेंट हम लगाएंगे इस बार जिसमें भी वैल्यू आपको लेनी है। सिंपली हम बी में ही लेते हैं, हमने एम परसेंट बी लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन लगाया और एंटर किया। और जो ये लाइन हमने सी इक्वल ए प्लस यहाँ पे किया था इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब देखिए हमारे ए और बी में वैल्यू आ चुकी है। सिंपल सा लॉजिक जो हमने तब वहाँ पे लगाया था अब हम यहाँ पे लगा देंगे, सी इक्वल ए प्लस बी। और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन लगाया। अब देखिए सी में हमारी वैल्यू आ चुकी है, दोनों का जो ऐड है जोड़ है वो हमारा सी में आ गया है। अगर हम ऐसे रन कराएंगे तो अभी हमारा एडिशन जोड़ नहीं शो करेगा, अब हमें जोड़ भी दिखाना है। अभी चलिए हम इतना एक बार रन करा के आपको दिखाते हैं। हम रन पे जाते हैं और इसको हमने रन करा दिया, देखिए प्रोग्राम हमारा रन हो गया। अब जो हमने मैसेज दिया था एंटर फर्स्ट नंबर, हमने फर्स्ट नंबर 2 दे दिया, एंटर सेकंड नंबर हमने 3 दे दिया, दो नंबर हमने दे दिए हैं। एंटर करेंगे तो कोई रिजल्ट हमारा शो नहीं करेगा, वापस हमारा कोडिंग पे आ गया, सोर्स कोड पे आ गया, क्योंकि अभी हमने सी को प्रिंट नहीं कराया है। अब हम सी को प्रिंट कराएंगे जो कि जो वैल्यू हमारी सी में है। तो प्रिंट कराने के लिए हमने बताया था प्रिंट एफ फंक्शन है, हमने प्रिंट एफ लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, अब डिजिट टाइप वैल्यू है। अब देखिए हमने दिया मैसेज दे दिया सम इज डिजिट को प्रिंट करा दे, हमने परसेंट डी का साइन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा लगाया और हम सी को प्रिंट करा रहे हैं और हमने यहाँ से ब्रैकेट क्लोज किया, सेमी कॉलन लगाया। अब देखिए हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया है, जो वैल्यू आई है उस पर जो ऑपरेशन करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो ऑपरेशन भी हमने कर दिया है, जैसे हमने दोनों को जोड़ना है ये हमारा ऑपरेशन है, और जो सी पे आया है हमने उसको प्रिंट करा दिया है। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इसको कंट्रोल F9 से रन कराते हैं। अब देखिए फर्स्ट नंबर फिर से मांग रहा है, हमने फर्स्ट नंबर दे दिया 100, अब सेकंड नंबर इसको देना है, हमने दे दिया 300,
अब देखिए सम इज 400 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वापस हम कोई की प्रेस करके बैक आते हैं सोर्स कोड पे। ये देखिए आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि अगर हमें यूज़र से वैल्यू लेनी है तो कैसे लेंगे, अगर कोई वैल्यू फिक्स कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो ये देखिए आज हमने डेटा टाइप्स का यूज़ सीखा कि हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, और यूज़र से वैल्यू अगर लेनी है तो कैसे लेंगे। तो अब जो भी डेटा टाइप्स है आपके यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि लास्ट वीडियो में किस डेटा टाइप का डिस्कशन हुआ था। अब डेटा टाइप्स का यूज़ करके आप सिंपली प्रोग्राम चाहें तो रेडी कर सकते हैं, जैसे हमने एडिशन का बताया, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जो हमने प्लस का सिंबल लगाया है आप इसको यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा दीजिए, यहाँ पे हम माइनस का सिंबल कर देंगे। तो देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू घट जाएगी। अगर हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये एस्ट्रिक का सिंबल लगाएंगे, जो स्टार है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। हमने एस्ट्रिक लगा दिया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर आपको डिवाइड करना है तो आप यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी ऑपरेशन आपको करना है आप इजिली कर सकते हैं। आप इसके बाद कोई भी प्रोग्राम खुद से रेडी करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।